वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने नागरिकों को दिया शब्द पूर्ण किया, जिससे कोठारी तालुका निर्मिति का मार्ग अब आसान हुआ है। चंद्रपुर जिले के बलारपुर तहसील में कोठारी में अपर तहसीलदार कार्यालय स्थापन करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया। महसूल और वन विभाग ने 16 सितंबर 2019 को इस संबंध शासन निर्णय निर्गमित किया है। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कोठारी और परिसर के नागरिकों को दिया शब्द पूर्ण किया है। बलारपुर तहसील का विभाजन कर कोठारी नया तहसील निर्माण करने इस परिसर के नागरिकों की प्रलंबित मांग थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में कोठारी स्वतंत्र तहसील निर्माण करने का शब्द वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कोठारी और परिसर के नागरिकों को दिया था। नए जिले और तहसील की निर्मिति करने संबंध की बात शासन के विचाराधीन होने से वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने प्रयास पूर्वक पाठ पुरावा कर कोठारी में अपर तहसीलदार कार्यालय को मान्यता प्राप्त करा देने यश प्राप्त किया है। यह कोठारी तहसील की निर्मिति की दृष्टि से पहला कदम है। अपर तहसीलदार कार्यालय कोठारी अंतर्गत कोठारी और पलस गांव यह दो तलाठी साझे अंतर्भूत होकर कोठारी काटवली कवर्जई खामदुरली हरनपायली गिलबिली आसेगांव मोहाड़ी टुकुम पलस गांव किन्ही निमगाठा चक निमगाठा मक्ता इटोली चक नंबर एक इटोली चक नंबर दो मानोरा इन 15 गांव का समावेश है। इससे पूर्व भी वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कोठारी इस गांव के लिए नायब तहसीलदार कार्यालय को मंजूरी प्राप्त करा दी थी। अब कोठारी में अपर तहसीलदार कार्यालय मंजूर होने से कोठारी यह नया तहसील निर्माण होने का मार्ग खुला है। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पुढ़ाकार से कोठारी में खनिज विकास निधि अंतर्गत 3,18,00,000 रुपए कीमत की पानी आपूर्ति योजना का काम पूर्ण हुआ। कोठारी में व्यायामशाला का बांधकाम पूर्ण हुआ। हाल ही में 60,00,000 रुपए कीमत का स्वर्गीय सुषमा स्वराज महिला उद्योग भवन का बांधकाम मंजूर हुआ है। कोठारी के साथ 15 गांव के लिए अपर तहसीलदार कार्यालय मंजूर होने से इस परिसर के जनता की प्रलंबित मांग पूर्ण हुई है।